विया गुप्ता, मैं आप सभी को अपने चैनल न्यूज तक में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पटना पायलट वर्सेस यूपी योद्धा के। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। उससे पहले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें वह आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में और मैं बताता हूँ आपको, तो बस अब बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी योद्धा के टीम के बारे में, जो कि अगला मैच आने की कल का मैच में बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे थे यूपी योद्धा। और दोस्तों, उसका कल लकी डे नहीं था, इसीलिए उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वह लास्ट तक दो और ढाई मतलब हो सकता था, वह मैच आने की एक पारी वह हासिल नहीं कर पाए और यूपी योद्धा को मात मिल गया। और वही दोस्तों, अगर हम बात करें पटना पायलट के खिलाड़ियों के बारे में, तो दोस्तों पटना पायलट के पिछले मैच हुआ था यूपी योद्धा वर्सेस पटना पायलट ही हुआ था, जो कि उसमें पटना पायलट ने यूपी योद्धा को मात दिया। पर अब यह गलती नहीं करेंगे यूपी योद्धा, तो यह मैच देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाइव्स को दिखाता हूं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पटना पायलट के खिलाड़ियों के बारे में, जो कि प्रदीप मंगलवार बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और दोस्तों उसके साथ दूसरे भी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। तो बस दोस्तों, यही आज के मैच में उम्मीद करता हूँ कि यूपी में दालचा तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, पर आज देखने को मिलेगा पटना पायलट के मैच के क्या राह पकड़ती है, जो कि प्रदीप नवाल अपने दम सम दिखा पाते हैं यह मैच में या नहीं दिखा पाते हैं, यह तो बाद में ही पता चलेगा दोस्तों। पर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब के साथ ही घंटे को दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप देख पाएंगे।